हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे हाथ जो देखो, बहुत सारा काम फैला पड़ा है, मतलब क्योंकि अभी मैंने अपने कमरे में, मेरे यहाँ ये घर फूटा हुआ है, इसलिए मैंने अभी टीन डलवाई है, तो अभी डल रही है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। इसीलिए मैं अपने पांडरी बाबा को, अपने ठाकुर जी को भोग लगाने वाली हूँ। ये देखो, मिठाई का डब्बा मंगाया है अभी मैंने। ठीक है, आइए आप लोग भी मिठाई खाइए आके। अभी छोटा सा काम किया, लेकिन आप लोग मेरी सपोर्ट करो तो शायद मैं अपना घर भी ठीक करवा लूँगी। लेकिन ये सब ठाकुर जी की कृपा है और मेरे बाबा महाराज की कृपा है, खाटू श्याम महाराज की भी कृपा है, मेरे देवी देवता प्रकृति का, सब सब लोग हाथ लगाए हैं, इसीलिए मैं ये करवा पा रही हूँ। वरना इंसान के हाथ में क्या है भगवान के अलावा? भगवान चाहे कुछ भी कर सकता है। आप लोगों को मैं रियल अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैं रोज़ ये वीडियो बनाती हूँ, या आप लोग सोचते हो कि घर में ही बनाती है वीडियो, ऐसा तो रोज़ ही यही वीडियो बनाती है, यही रील बनाती है, एक ही जगह बनाती है, क्योंकि मैं ससुराल में हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, बाहर जाने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए मैं घर पर ही बैठ के बनाती हूँ। तो मैं आपको बस यही बताती, देखो अभी मैंने प्रसाद चढ़ाया, पर मैं बाहर नहीं फ़ोन लेके जा सकती क्योंकि मैं अकेली हूँ, मतलब अकेले ही मतलब वीडियो बनाती हूँ और फिर अपलोड करती हूँ, अब खुद ही पकड़ती हूँ, खुद ही डांस करती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसा सपोर्ट मिल जाता है, कभी अलवारी में रख देती हूँ, कभी शायद मेरी सासू माँ पकड़ लेती हूँ, कभी कभार। इसीलिए तो मैं ऐसी रील बना पाती हूँ, ऐसी वीडियो बना पाती हूँ, पर अब मेरी मजबूरी है, मैं क्या बता सकती हूँ। मैं रोज़ इतना मतलब इतना परेशान होती हूँ, पहले सुबह अपना सारा काम सारे लोग करते हैं, इसका तो रोज़ का क्या है, लाइफ ऐसी है कि क्या बाहर जाने को नहीं है, फिर खुद ही वीडियो बनाओ, खुद ही और करो, एक्टिंग करो। एक्टिंग में तो ऐसा हो जाता है कि सामने लेके अपन फ़ोन हाथ में लेके बैठ जाते हैं तो अपन कर लेते हैं अपलोड, उस पर कोई ज़्यादा से लाइक भी नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों मेरी मतलब एक्टिंग अच्छी नहीं लगती है क्या। आप लोग मुझे कमेंट में बताना जरूर, आप लोग क्या मेरे शूट करता है कॉमेडी या रोमांटिक सॉन्ग या एक्टिंग या डांसिंग, आप लोग मुझे बताना जरूर। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हम अब मैं जा रही थी, अभी देखो मेरे सासू माँ प्रसाद बांट दिए क्योंकि मैं बाहर नहीं दे सकती हूँ और मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे ससुर जी तो है नहीं, सिर्फ मेरी सासू माँ हैं, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, और फिलहाल मैं तो घर पर ही हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो भी मतलब ऐसा है ना कि गांव में लोग बस बातें बनाने लगते हैं और अभी कुछ आया भी नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद कोई इतना खास सपोर्ट भी नहीं है, तो इसीलिए सब लोग मुझे ताने मारते हैं, देखो ये तो नाचती है, ये तो ऐसा करती है, ऐसा करती है, ये तो ये नाचने वाली है, वगैरह वगैरह। आप लोग तो समझ सकते हो ना कैसे लोग बात कहते हैं, पर ठीक है, कहते हैं तो कहते ही हैं, जब आप लोग सपोर्ट करोगे, जब लोगों को दिखेगा कि हाँ कुछ कर रही है, मेहनत कर रही है, अपनी अपनी सोच है इंसान की, ठीक है। पर अब क्या कर सकते हैं, अब आप लोग ही मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। यूट्यूब फैमिली देखो, मुझे कितने दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते, कभी कभी मेरा मन ऐसा करता है कि मैं इतने दिन से वीडियो बना रही हूँ, कुछ मतलब ऐसा वॉचिंग टाइम वगैरह भी नहीं पूरा हो रहा है, तो मुझे क्या करें, बंद कर दूँ क्या? फिर दिल कहता है नहीं यार, इतना मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, तो कुछ दिन और वेट करते हैं, शायद वक्त साथ दे, शायद सब लोगों को दिखे, यूट्यूब फैमिली को दिखे कि हाँ ये कर रही है। और मैं क्या कर सकती हूँ, बस यही है अपनी मेरी लाइफ, मैं अपनी रियल रियल जो चलता है वो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। सासू माँ है, अभी प्रसाद बांट के आई थी इसीलिए तो बोलने लगी कि अभी दो तीन लोग मोहल्ले में थे, नहीं तो बोले रख दो, तो मैंने कि जो प्रसाद है इतने लोगों के मुँह पड़ जाए, ठीक है। और ये मेरे घर का सदस्य है, ये जब मैं भी वीडियो बनाती हूँ ये ज़रूर आ जाता है बीच में, ये सपोर्ट नहीं करता है पर बीच में इस्माइल मारने आ जाता है, देखो अभी भी यहीं पे खड़ा है। तो आप लोग इस बात को समझिए और सुनिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे कमेंट में बताना कि किसने मेरी बात को सुना और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। मैं तो यूपी से हूँ, कानपुर से, कानपुर देहात, और
मुझे ये भी नहीं पता चलता है कि अपने ये जो लोग यूट्यूबर हैं, मुझे शिवानी शिवानी कुमारी की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं उनकी बहुत फैन हूँ। और अंजलि चौहान की मुझे बहुत बहुत अच्छी वीडियो अच्छी बहुत अच्छी लगती है, उनमें उनकी सारी वीडियो लाइक करती हूँ, सारी कमेंट नहीं करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ। और रिंकू झा तो अब इतना अच्छा सर्कल तो नहीं भगवान ने दिए, सोचती हूँ कुछ ना कुछ करने की, एक्टिंग करने की सोचती हूँ, उन जैसा लुक आने की सोचती हूँ, रियल लाइफ है जो भी है। तो मैं तो यही हूँ, रियल यही हूँ, और इतना सारा मेकअप भी नहीं करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद मैं मेकअप नहीं अच्छी लगती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताते ही नहीं हो कि आप लोगों को वीडियो कैसी अच्छी लगती है, कमेंट में बताओ कि हाँ मैं मेकअप में अच्छी लगती हूँ या कम मेकअप में अच्छी लगती हूँ, नॉर्मल में लाइट मेकअप में अच्छी लगती हूँ, कैसे आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कॉमेडी वाली अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ज़रूर आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, मैं वैसे करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, ओके बाय। राधे 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 कृष्ण।